गांधीवन कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी जोशी जी मौजूद है। भैया आज अच्छे गांधीवन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, आज भी बीजेपी कार्यालय मौजूद है, क्या कहना चाहिए? मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद नहीं हूँ, मैं छाछ की दुकान पे मौजूद हूँ। आगे बोलिए। अच्छा गांधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ये बड़ा खेला कांग्रेस के साथ हो गया। खेला नहीं हुआ है, ये जो व्यापारी किस्म के लोग होते हैं इनके नीचे बहुत रेले होते हैं, उन रेलों में दबावपूर्ण कार्रवाई में इसको भाजपा में लिया गया है कि या तो जेल जाओ, कहीं धमका दिया होगा, कहीं चमका दिया होगा, और इसलिए भाजपा में गया हो। भैया कहीं जानकारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों को? बिल्कुल जानकारी नहीं थी, होता तो रात को साथ छोड़ते ही नहीं हम उसको। अब क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि कांग्रेस आखिरी समय इस तरह का बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है, क्योंकि अब किसी निर्दलीय को समर्थन देना होगा, एक ये हमारे पास ऑप्शन बचा है, वो करेंगे। लेकिन अब जो है, अब भागते भूत की लंगोटी से वाली बात बची। कांतिलाल बम कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के बड़े लीडर है वो पैसा मांग रहे हैं प्रत्याशी से। अब ऐसा है ना, कुछ तो उनको कहना पड़ेगा, भाग के गए हैं, दोगलाई की है, गद्दारी की है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बहाने तो बनाना पड़ेगा, कुछ कहानी तो सुनाना पड़ेगी। तुम कांग्रेस का टिकट मांग रहे हो, 4 नंबर ऑफिस खोल के बैठे हो, सुबह 8 बजे मंडी में जनसंपर्क कर रहे हो, और दिग्विजय सिंह के बड़े करीबी थे, तो ऐसा कुछ होता तो दिग्विजय सिंह को शिकायत करते। फिलहाल ये हमारे साथ अश्विनी जोशी जी, जिनका कहना था कि हमारे अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के स्टैंड दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ निश्चित तौर पर एक बड़ा स्टैंड यहाँ से हो गया। टीवी 9 भारत पर इसके लिए सदी साहब।